हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सेफ पॉल सामान मोली। आज आप लोगों को चिकन लॉलीपॉप कैसे बनाना सिखाना है। सबसे पहले चिकन को ऐसे कोई भी सुपर मार्केट में मिल जाएगा, विंग्स, ये चिकन विंग्स है। इसको तीन पार्ट है, मैं इसको दो पीस कर सकता है। पहले इसको काटने का ऐसे तरफ जॉइंट से काटने का, इसको साइड से थोड़ा ऐसे करना है, बाद इसको नीचे दबाना है, ऐसे आएगा। उसका ऐसे करके उल्टा कर देने का, चमड़े को अंदर डाल देने का। दूसरा जो विंग्स है उसको एक साइड से काटने का, इसके अंदर टू बोन्स है, एक बोन्स को इसको काट के निकल देने का ऐसा। बाद इसको ऐसे करके ऐसे एक निकाल देने का, इसको एक साइज ऐसे करके उल्टा कर देने का। मैं आपको सुविधा के लिए मैं पहले से बना के रख दिया, ऐसे काट के मैं पहले से बना के रख दिया। इसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, कश्मीरी मिर्ची पाउडर, ये कलर के लिए अच्छा है। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये गार्लिक पेस्ट, ये जिंजर पेस्ट। उसके बाद थोड़ा सा अजीनोमोटो आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा अजीनोमोटो। इसको सब एक साथ मिक्स करने का, देखिए पूरा पीस नीचे तरफ आ गया लॉलीपॉप का जैसा। इसको 20 मिनट के लिए रख देने का। ऐसे एक बोल लेने का, इसमें बैटर बनाने का। सबसे पहले मैदा लेगा, उसके बाद कॉर्नफ्लावर लेना है। मैदा जितना लेगा उसका हाफ कॉर्नफ्लावर है। उसके बाद थोड़ा सा अजीनोमोटो, कूटे हुए ब्लैक पेपर, प्रोसेस्ड ब्लैक पेपर थोड़ा, थोड़ा सा ऑनियन चॉप, थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन चॉप, थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर अदरक का, थोड़ा सा चॉप गार्लिक, उसके बाद ग्रीन चिल्ली चॉप किया हुआ है थोड़ा सा देने का, आपको जितना चाहिए। थोड़ा सा नमक, और इसका अंदर जाएगा अंडा, तीन से चार अंडा जाएगा। उसके बाद थोड़ा पानी जाएगा, थोड़ा सा पानी जाएगा गुलने के लिए, धीरे धीरे पानी डालने का। पहले बैटर को अच्छा से मिक्स करना है। अब इसके अंदर थोड़ा सोया सॉस जाएगा, ये है सोया सॉस। सब एक साथ एक बैटर बनाने का।
मीटर ऐसे होना चाहिए। अभी क्या करना है, चूल्हा चालू करना है। इसको मीडियम हीट होना चाहिए। उसके बाद मीटर का अंदर एक एक करके तेल में पहले से गर्म करके रखा था। अब एक एक चिकन ऐसे लेना है, बटर को अच्छा से ऐसे भिगाना है। तेल में पहले से गर्म करके रखा था। ये चिकन विंग्स कोई भी बाजार में मिल जाएगा, खाली आपको काट के रेडी करना है। जैसे कि नाम दिखा है आपको कैसे काटना है। ये स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा है। ये बच्चा लोग बहुत पसंद करता है, आप आराम से बच्चा को खिला सकते हैं। कोई भी गेस्ट आए उसको भी बना के खिला सकता है, एकदम इजी है। ये चीज आप होटल में खाने जाएगा तो बहुत पैसा मांगता है। चिकन को एक घंटा मैरिनेट करके रखेगा तो और अच्छा है, मसाला उसमें पकड़ता है। देखिए कितना बढ़िया हो रहा है। पहले मीडियम ऑयल में डालने का, बाद में डालने के बाद आप गैस फास्ट कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी पकता है। ये ऑलरेडी हो चुका है। मैं इसको आराम से उठा लेगा। देखिए कितना अच्छा मस्त कलर है।
अपनी गैस बंद कर दीजिए। देखिए कितना अच्छा कलर हुआ। अब इसको एक किचन टॉवल में इसको ऑयल को सूख करना है। अच्छे से सूख करने के बाद ऐसे सिल्वर फॉयल है, एल्युमिनियम फॉयल है, आप थोड़ा थोड़ा काटिए, उसको जो एक साइड खुला है उसको रोल कर सकते हैं। इसको बस गार्निश के लिए स्प्रिंग ऑनियन चॉप करके थोड़ा दे देने का। ये देखिए बस इसको यम यम सॉस के साथ आप आराम से खा सकते हैं। फिर एक बार आपके इंग्रेडिएंट्स बोल रहे हैं, मैरिनेट के लिए चिली पाउडर थोड़ा, गार्लिक पेस्ट थोड़ा, जिंजर पेस्ट थोड़ा और नमक थोड़ा। चिकन को मैरिनेट करना है फास्ट। बैटर के लिए आपको मैदा चाहिए, कॉर्नफ्लावर चाहिए, थोड़ा सा अजीना मटर चाहिए, सोया सॉस चाहिए, जिंजर चॉप चाहिए, गार्लिक चॉप चाहिए, थोड़ा सा ब्लैक पेपर प्रोसेस चाहिए, स्प्रिंग ऑनियन चाहिए और ऑनियन चाहिए, चिल्ली। आखिर में डीम और पानी डाल के बैटर को बना के आप आराम से बना सकते हैं। थैंक यू भाई, नेक्स्ट रेसिपी के लिए आप इंतजार कीजिए। नून कम हुई मैंने देखो तो देखार जो तारा करा ठीक है। हाँ ठीक है।